मुखानी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले दुकान में हुई 40,000 की चोरी का मुखानी पुलिस ने किया खुलासा। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दमवा डूंगा के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ हल्द्वानी शांतनु पराशर ने बताया कि पकड़े गए युवक द्वारा शिवा जनरल स्टोर से 40,000 रुपए की नकदी चोरी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये 12-13 की रात की घटना है, जो एक शिवा जनरल स्टोर है जिसके पीछे गोदाम भी था, वहाँ पे कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और 40,000 रुपये नकदी चोरी करके लेके जाता है। तो इसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली, जैसे ही मालिक को पता चलता है वो पुलिस को सूचित करता है। पुलिस इसमें अपनी एक कमेटी बनाती है और इस टीम को पूरा सीसीटीवी देखने तथा पुराने चोरों को देखने के लिए बोला जाता है। इस संबंध में चेक करते हुए ये दमवा डूंगा का एक भी पकड़ा हुआ एक चोर है लक्ष्मण मौर्य, जो हमारे उसमें आता है। पूछताछ करने पर ये अपना चंबल पुल के आसपास देखा गया, फिर जब वहाँ पे इसको पकड़ा गया तो इसके पास से पूरी नकली चीज़ें बरामद।